नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक भाई ने ख्वाब में देखा कि लौंग लिए हैं और मैं लौंग खा रहा हूँ ऐसे ही बगैर किसी बिरयानी, बगैर किसी सालन, बगैर किसी चीज़ के। लौंग खाना ख्वाब में ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, तकलीफ़ की अलामत है, बीमारी की अलामत है, दुख दर्द की अलामत है। तो ऐसा भाई या बहन जो भी ख्वाब में देखे और इस तरह लौंग खाए तो उन्हें सदका कर देना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू कर देना चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए, हर बीमारी परेशानी से अल्लाह महफूज फरमाए और खैर बरकत अता फरमाए। इसी तरह एक बहन ने ख्वाब में देखा, लेकिन वो ये देख रही है कि अपने शोहर को बहुत सारा सोना पहना हुआ है जेवरों की तरह। सोना कोई बहन पहने वो देखे तो इसका मतलब अल्लाह औलाद अता फरमाएंगे या रिज़्क वाफिर मिकदार में अता फरमाएंगे। लेकिन अगर मर्द हो, वो बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो, वो अच्छा नहीं होता। यानी औरत के लिए तो अच्छा है, नेमत है, रिज़्क है और औलाद है, लेकिन मर्द के लिए बीमारी है या कोई तंगी है, रिज़्क की परेशानी है या कोई ना कोई दुख मुसीबत ज़रूर है। अल्लाह दुख से, तंगी से, माली परेशानी से, मुसीबत से महफूज फरमाए और हर खैर बरकत हर मेरे भाई मेरे बहन को अता फरमाए, कबूलियत अता फरमाए, कबूलियत तमाम आमा नसीब फरमाए। तो एक बहन ने ख्वाब में देखा कि वो गोबर वो कर रही है, यानी इकट्ठी कर रही है कि शायद कहीं काम आ जाए। गोबर इकट्ठी करना इसका मतलब है कि उस मेरी बहन का बेटा, शोहर, भाई, वाले जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ा मुनाफा होगा और वो जितना गोबर यानी जमा किया उतना माल आएगा या उतनी कोई बड़ी नेमतें आएंगी। वो सोना भी हो सकता है, वो विरासत भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, वो मुनाफा भी हो सकता है, वो इनाम भी हो सकता है। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए, सआदत दार रहना अता फरमाए, कबूलियत तमाम आमा नसीब फरमाए, अल्लाह अपने मुकर्रबीन में, अपने कामिलीन में शुमार फरमाए। अल्लाह खुश रखे। आइए तय कर लीजिए मुआशरे की बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए कदम उठाएँ। हर पैगाम रोज़ाना इसको ख़ुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं, ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी कराएं, इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, हम पर ज़रूर वो करें। इसलिए हमारा फेसबुक और यूट्यूब पर इसी मकसद के लिए बनाया है, पीर मुफ्ती अख्तर हुसैन के नाम से चैनल या पेज है, वो इसी मकसद के लिए, इस्लाह, तरबियत, अच्छाई, हमारा मुआशरा साहिब अमाल बन जाए, साहिब किरदार बन जाए। मुझे उम्मीद है मेरे हर भाई हर बहन 100% इसमें किरदार अदा करेंगे तरबियत से।